तो भैया देखो, आज की जो न्यूज़ है ना, वो तुम्हें थंबनेल देख के पता चली गया होगा, बहुत ज़्यादा दुख भरी न्यूज़ है और मैं आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। तो मैं इतना ही सजेशन देना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक मारो या बिल्कुल मत मारो, पर ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि आज यूट्यूब को मैं खुल के बजाने वाला हूँ। क्योंकि एन एम ए कम्युनिटी से अलग ही दुश्मनी चलती है यूट्यूब की, और यूट्यूब बोलता है ना कि भैया पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट है, अरे घंटा है बैन की, इनकी मैं बताऊँगा डिंग डिंग करूँगा। तो भैया अभी तक भी अगर तुम्हें ईयरफोन्स नहीं लगाए हो ना, तो अब लगा। और हाँ, आज जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा ही, मतलब इतनी ज़्यादा बुरी है कि मेरे को अंदर से दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और बस यार आज भड़ास निकालनी बैड की। तो भैया पहले तो मैं तुम्हें न्यूज़ ही बता देता हूँ। न्यूज़ ये है कि ड्रैगन हिंदी एक्स, इनको बहुत से लोग जानते होंगे, और इंडियन एनिमे कम्युनिटी के ये सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब जिनके पास सब्सक्राइबर्स हैं वो यूट्यूबर हैं। और सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं इनका कॉन्टेंट पिछले 2-2.5 साल से देख रहा हूँ। ये मतलब इनके चाहे चैनल पे व्यूज कमाए, पर ये एनिमे को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए इंडिया में व्यूज की चिंता ही नहीं करते यार। ये हर तरीके के एनिमे पे, नए नए एनिमे पे जो लोग जानते भी नहीं है ना, जिन एनिमे को, उनके ऊपर ये वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को पता चले यार कि ड्रैगन बॉल जी और नारुतो, वन पीस, इनके अलावा भी बहुत से अलग अलग एनिमे हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं और बहुत अच्छे हैं वो भी। तो देखो इनके चैनल पे एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी की पूरी 7-7 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक अगर तुम्हारे चैनल पे 3 महीने के अंदर आ जाती है ना, तो यूट्यूब बोलता है निकल लौड़े। तो भाई वो ही हुआ है इनके साथ, मतलब यार यूट्यूब गाय की पॉलिसी बनाता है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो यूट्यूब बोलता है हमारी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और कोई भी तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब दे देता है और रीज़न भी नहीं बताता, मतलब कोई कंटेंट क्रिएटर इतनी मेहनत से, इनको 3 या 4 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे काम करते हुए, पर देखो यूट्यूब ने क्या किया, कोई भी आता है और रीज़न बताया ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने तो वीडियो क्लिप्स भी उस वीडियो में यूज़ नहीं की थी, बस इमेजेस यूज़ की थी, ठीक है, और ये फेयर पॉलिसी के अंदर आता, फिर भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, वो भी 7। मतलब कोई क्रिएटर 3-4 साल से मेहनत कर रहा है, व्यूज़ की चिंता नहीं कर रहा, एनिमे कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए काम कर रहा है लगातार, और तुम उसको ये सिला देते हो। भाई एनिमे यूट्यूबर्स की तो कमाई भी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब फिर भी यार वो बंदा इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा है सिर्फ एनिमे को इंडिया में फैलाने के लिए, और फिर यार यूट्यूब बोलता है कि मतलब बेफालतू की हेट फैला रखी है। यार यूट्यूब यार अपने सिस्टम को थोड़ा सही करो, थोड़ा लीगल कार्रवाई करो, जो बिना रीजन के या बेफालतू में कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं, इनका तो कुछ नहीं जाता है, ये तो दे देते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक, और फिर जो क्रिएटर जिसने 3-4 साल से मेहनत करके उतना जो सब्सक्राइबर्स हैं, उतनी जितनी उसकी मेहनत है ना, सब एक बार में पानी में डूब जाते हो, इतना गंदा लगता है ना सही में। मैं जानता हूँ यार, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मेरे पता है मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, पर अगर अभी भी कोई एक स्ट्राइक भी आ जाएगी ना इतने से सब्सक्राइबर्स पे, तो मेरी फटके 4 हो जाएगी। और साफ बात है, ये जो भी यूट्यूब पर काम करते हैं ना, सबको उनको पता ही होगा ये बात कि यार मतलब कितना ज़्यादा बुरा लगता है जब चैनल के साथ छोटी सी भी कोई दुर्घटना हो जाती है। और यार ये तो यार पूरी 7 कॉपीराइट स्ट्राइक है। देखो अब तो उनकी मदद कैसे कर सकते हो, मैं साफ बोलूं तो देखो उनके ट्विटर हैंडल पे जाओ, हाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनके ट्वीट का, ठीक है, जाओ रीट्वीट करो, लाइक करो उनके, मतलब रीट्वीट तो करना ही है तुम्हें, और हाँ कमेंट भी करो, टीम यूट्यूब को सबको टैग कर रखा है पहले से ड्रैगन इंडिया में, तो तुम कमेंट करोगे ना, तो बस यही कमेंट करो कि स्ट्राइक हटाओ, स्ट्राइक रिमूव करो, या फिर उनके चैनल या उनके वीडियो को दोबारा रिव्यू करके स्ट्राइक हटाओ, पर स्ट्राइक हट जानी चाहिए, क्योंकि यार वरना 7 दिन में उनका चैनल यार टर्मिनेट हो जाएगा। और यार सही बता रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी उनके बहुत से वीडियो देखे हैं, मेरे को सही में यार बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनके वीडियो, तो बस यार रीट्वीट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ जल्दी, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले तो मैं रीट्वीट करना उनके ट्विटर पर अकाउंट पर जाके, मुझे पता है मैं आज बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं स्क्रिप्टेड भी नहीं हूँ, मतलब आज की वीडियो में तो मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी और बोल बस माइक लिया और बोलने बैठ गया। तो देखो जल्दी जाओ रीट्वीट करो, और बस जल्दी जाओ। Bye.